नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में इस कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज दो याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर आज सुनवाई, जहांगीरपुरी मस्जिद परिसर में कार्रवाई पर भी सुनवाई। तो दो याचिकाओं पर आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वहीं जहांगीरपुरी मस्जिद परिसर में कार्रवाई पर भी सुनवाई होगी। जिस तरीके से कानपुर हिंसा हुई, उसके बाद कई और जगहों पर हिंसा हुई और ऐसे में यहां पर दंगाइयों से सख्ती से निपट रही है यूपी पुलिस, और कुछ को चिन्हित भी किया गया है जिन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। तो इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के लिए याचिका लगाई गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल जहांगीरपुरी मस्जिद परिसर में कार्रवाई पर भी आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहेगा, क्या इस बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने के आदेश देगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, जरा बताएं, आज दो बड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एक सबसे अहम यूपी की है, जो बुलडोजर एक्शन जारी है उस पर रोक की याचिका पर सुनवाई होनी है। बिल्कुल प्रीति, देखिए नूपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को झुलसाने का काम किया गया, खासतौर से एक वर्ग ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी की, पुलिस और प्रशासन के साथ मुठभेड़ की, और जिसमें कई एसएसपी और एडीजी स्तर के लोग अधिकारी भी घायल हुए थे। प्रेम प्रकाश इस पूरे मामले में घायल हुए, डीएम की गनर को चोट आई, तमाम इस तरीके की बातें हुई। लेकिन उसके बाद जब प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सख्ती से दंगाइयों पर कार्रवाई करने का काम किया, वो एक नजीर है। चाहे कानपुर हिंसा के लोग हों, प्रयागराज हिंसा के लोग हों, मुरादाबाद हिंसा के लोग हों, या फिर सहारनपुर के देवबंद के वो दंगाई जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को खुलेआम चुनौती दी थी। जमीयत उलेमाए हिंद ने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो दायर की है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ये दंगाई प्रदेश को दंगे की आग में झुलसाने का काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, आम आदमी के लिए परेशानी पैदा कर रहे थे, प्रशासन के लिए चुनौती बने थे, सरकार को पूरी तरीके से खुलेआम ऐलान कर रहे थे, तब उलेमाए हिंद के लोग कहां थे? तब इन लोगों ने शांति की अपील उन लोगों से क्यों नहीं की? हालांकि ये कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा वो आज दोपहर तक इस पर। लेकिन संजीव जी, एक चीज यहाँ पर और हम स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं यूपी में कि हालांकि अभी जो है बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो अवैध अतिक्रमण पर ही हो रही है। ऐसा अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया कि कोई दंगाई जो चिन्हित किया गया है उसके घर पर या उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। देखिए, कानपुर में जो गिरफ्तारी हुई थी दंगाइयों की, उनकी जो अवैध संपत्तियां थी उन पर बुलडोजर चला था। इसके बाद देखने को मिला कि जो दंगाई थे और उनकी अवैध जो संपत्ति थी, अवैध जो निर्माण था, उन्होंने खुद हटाने का काम किया। यानी जो गलत लोग हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करेगी, चाहे वो किसी समाज के लोग हो, किसी स्तर के लोग हो, अधिकारी हो, नेता हो, या फिर किसी की सरपरस्ती में काम करते हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साफ तौर पर मंशा है, सरकार के मंसूबे साफ है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का समूल विनाश करना है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया करना है, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़े हो, किसी नेता की सरपरस्ती में रहते हो। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहांगीरपुरी मस्जिद परिसर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी उस पर भी सुनवाई होनी है, उत्तर प्रदेश में जो योगी का बुलडोजर गर्जा है उस पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन फिर भी मैं खबर फास्ट के माध्यम से अपने दर्शकों को ये अपील करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अमन और चैन को बहाल करें और ऐसे दंगाइयों का साथ ना दें जो उत्तर प्रदेश में लोगों की भावनाओं को भड़का कर उत्तर प्रदेश में खाई बनाने का काम कर रहे थे। जी शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जिसमें एक यूपी में चल रहा बुलडोजर एक्शन उस पर रोक की मांग की गई है, और जबकि दूसरी जहांगीरपुरी मस्जिद परिसर में कार्रवाई पर भी सुनवाई होनी है। अब दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा, ये सुनवाई के बाद पता चलेगा।